श्योपुर विधायक का अनोखा प्रदर्शन, मृत गाय को लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट, गाय माता अमर रहे के लगाए नारे। खबर श्योपुर से है, जहां श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल, जो अपने अलग थलग अंदाज के लिए पूरे प्रदेश में चर्चित हैं, अभी कुछ महीनों पहले विधायक आवारा गोवंश के झुंड को कलेक्ट्रेट लेकर पहुंचे थे, तो आज फिर उनका एक अनोखा अंदाज देखने को मिला, जहां वे आज एक मृत गाय को टैक्सी में रखकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे हैं और गाय संरक्षण को लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। जहां उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, वहीं सीएम पर भी व्यंग कसा है। विधायक बाबू जंडल के साथ गोसेवक भी कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। आज के प्रदर्शन में विधायक बोले कि एक ऐसी मोहन सरकार है, गोसेवा के नाम पर दलाली कर रही है, गौशाला के नाम पर इनके लोग जमीन हड़प रहे हैं। इसी के साथ सरकार को गोवंश संरक्षण के नाम पर घेरते हुए जमकर कोसा। देखिए श्योपुर से संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। युवाओं ने डॉक्टरों से बात की, डॉक्टर नहीं आया, तड़प तड़प के गौ मरी। रोज गौओं का हादसा होता है, न कोई डॉक्टर सुन रहा है, न कोई प्रशासक सुन रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि मोहन यादव हमारे मुख्यमंत्री है, ये कौन सा मोहन है? एक मोहन तो वो था कृष्ण, जिसने गौ माता की रक्षा की, इसमें 36 देवी देवता का वास है। एक ये मोहन है आरएसएस का, जो गौ माता पे भाजपा सरकार दलाली कर रही है। गौशाला गोपालशाला श्योपुर में संचालित है, उस गौशाला में न कोई उठाने की व्यवस्था है। जब ये समिति वाले गौ सेवक वाले जब मदद मांगने जाते हैं गौशाला में, तो वो लोग इनको कोई व्यवस्था की और कोई व्यवस्था नहीं करते। करोड़ों की जमीन को उन्होंने हड़प लिया है, उनने दुकान बना के अपने अपने लोगों को दे दिया है। ये भ्रष्टाचार का गांव का नाम से भाजपा सरकार ने अड्डा बना रखा है। हमारे नौजवान साथी, जो हम संस्कृति को मानते हैं, मानव जाति के लिए गौ माता बनाई है, मगर ये बोल नहीं सकती है। हम इंसान बोलते हैं, पर हम भ्रष्टाचार के कगार पर है। भाजपा सरकार से भी हमने विपक्ष में जब अभी सत्र चला था, तो गौ माता के ऊपर चलाया, और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि जब मेन रोडों पे जो गौओं के लिए जो एक्सीडेंट होता है, अभी एक नौजवान की दो उंगली गौ उठाई से टूटी है, कईयों को एक्सीडेंट होता है, तो ये व्यवस्था की जाए, मेन रोडों पे गौशाला खोली जाए। 16 गौशाला कमलनाथ जी की सरकार में बनी थी, वो बंद पड़ी है, इनको चालू किया जाए, पंचायती स्तर पर की जाए, और ये समिति का गठन किया जाए, क्योंकि गौ पे जो सरकार बजट देगी, उसके अलावा गौ सेवक समिति भी अपनी मदद कर सकती है, तो वो समूह बना के गौ युवाओं का समूह बना के और साधु संतों को उसमें शामिल किया जाए, बुजुर्गों को उसमें शामिल किया जाए। उस समिति में मैं भी विधायक प्रतिनिधि हूँ, मैं भी उस समिति को बजट दूंगा, उनके समिति के साथ रहूँगा, और गौओं की रक्षा होना चाहिए। अगर इसी तरह से गौ मरती रही तो मैं खामोश नहीं रहूंगा, मैं चैलेंज कर रहा हूं भाजपा सरकार से और मोहन यादव से कि मेरी गौ अगर रोड पे मरेगी तो मैं किसी हद से जा सकता हूं, गौ के लिए मैं आंदोलन कर सकता हूं, चाहे मैंने जेल में जाना पड़े तो जाऊंगा।